नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। एक तरफ जहां झारखंड की सरकार विधायक खरीद मामले में उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। पहले जज का दिन दिहाड़े रोड पे हत्या हो जाती है, फिर एक वकील की हत्या हो जाती है, फिर एक पुलिस दरोगा की भी हत्या हो जाती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए बिल्कुल, और महिमा आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, क्योंकि सारे लोग इस शोरगुल में कहीं ना कहीं जो आवाजें हैं, जो लगातार क्राइम का जो ग्राफ है खासकर झारखंड में बढ़ रहा है, वो खास कर अब ये देखा जा रहा है कि जो अधिकारी रैंक के लोग हैं या जो पॉपुलर लोग हैं या जो कानून के रक्षक हैं, उनके ऊपर ज़्यादा अपराध बढ़ा है। और ये अपने आप में एक बेहद जो है हैरान करने वाली बात भी, क्योंकि जो रक्षक हैं अगर उनके साथ ही इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाएं, तो एक आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आपने सही कहा, जिस तरह जज को मॉर्निंग वॉक पर बोलने के लिए थे और जिस तरह से उनको उनकी हत्या की गई, जिस तरह फुटेज सामने आया, उसने हैरान कर दिया कि इस तरह से दिन दहाड़े और सरे राह और खुलेआम जो उनकी हत्या हो जाती है, आखिर ये जज्बा ये हिम्मत कहाँ से आती है। वहीं जिस तरह से वकील की हत्या होती है, उससे पहले रूपा तिर्की का मामला सामने निकल रहा है कि उनकी भी जिस तरह से घरवालों कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई, और लगातार उसको लेकर भी पुलिस और घरवालों के बीच कश्मकश का माहौल रहा। तो ये कई सारे मामले हैं जो लगातार झारखंड की जो कहें कि अपराध का ग्राफ है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं, और हेमंत सरकार अभी भी इस पर चुप्पी साधे हुए कोई बयान इस पर नहीं दे रही है। टाल मटोल वाला रवैया अपना रहे, जांच की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जांच क्या है, किस तरह से हो रही है, क्योंकि जांच के नाम पर सारी सरकारें कहीं ना कहीं मामलों को दबाने की कोशिश करती हैं। अगर मैं रूपा तिर्की की बात करूं, तो ये कहा गया कि जल्दी उनको इंसाफ मिलेगा और एक जो है टीम भी बनाई जाती है, यानी कि एक सदस्य टीम बनाई जाती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि CBI जाँच की उसको लेकर मांग की गई थी, लेकिन अभी तक हेमंत सरकार ने उसको पास नहीं किया, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। वहीं अब जब जज की बात हत्या की बात सामने आई, तो ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जांच होगी और तमाम चीज़ें होंगी, अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो कई सारी बातें इस तरह निकल कर आती हैं, लेकिन असल में क्या है वो सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, वो बाकी चिंता का सबब है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं जांच की बातें हो रही है, रूपा तिर्की को कितना समय हो गया और अभी तक कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया है। CBI जांच की मांग हो रही है, परिवार वाले मांग कर रहे हैं, हेमंत सरकार आश्वासन जरूर दे रही है, पर अभी तक कोई नतीजा नहीं आया। बिल्कुल, जिस समय जो यहाँ पर अगर बात करें रूपा तिर्की की, तो जो राज्यपाल थी उन्होंने भी बुलाया था कि भाई क्या हो रहा है इसके ऊपर, और जो DGP उनसे बात भी की। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम सामाजिक संगठन, तमाम जो विपक्षी दल हैं, और उन्होंने भी ये बात कही कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। वो सबसे महत्वपूर्ण बात कि रूपा के परिवार वालों ने भी ये मांग की कि जो है इसकी CBI जांच होनी चाहिए, लेकिन हेमंत सरकार ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और बहुत दिनों के बाद कहीं जाकर जब लगातार उनके ऊपर दबाव बढ़ने लगा, तो कहीं जाकर एक सदस्य जो रिटायर्ड जज थे, उनको जो है जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है इसके ऊपर तफ्तीश कीजिए। तो कुल मिलाकर घर वाले संतुष्ट नहीं हैं, बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं हैं, और यही कह रहे हैं कि ये मामले को रफा दफा करने की साजिश है। वहीं अगर बात करें हल चल मामले की, जैसे जज की हत्या हुई है, देखिए जो खुद कानून के पैरोकार हैं, कानून को रात दिन बैठकर कानून की बातें लोगों को सिखाते हैं और इंसाफ करते हैं, आज उनके इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं जो उनका परिवार है वो सरकार से उम्मीद लगा रहा है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन क्या वो इंसाफ मिल पाएगा, यही वाला मामला भी सिर्फ जो है जाँच की फाइलों में दबकर रह जाए। क्योंकि कुछ दिनों के बाद जैसे ही मामला मीडिया से गायब होता है, उस मामले पर या उस जो है मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहता, और ये बारंबार झारखंड में तो कम से कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बाकी देश की बात करें तो कमोवेश हालत वैसे के वैसे ही नजर आते हैं। बिल्कुल, जज की हत्या मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है बीच में, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि झारखंड का जो कानून व्यवस्था है वो ठप पड़ चुकी है। बिल्कुल, और ये इसमें कोई संदेह नहीं है महिमा, क्योंकि अगर हम देखें झारखंड को लेकर, मैं वही कह रहा हूँ कि इस पूरे शोरगुल में, यानी कि जिस तरह से MLA खरीदने बेचने की बात में जिस तरह का शोर उठा है, उसमें कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे दबके रह गए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है कि जो नेशनल मीडिया है वो भी इस पर बात उतनी मजबूती से नहीं करना चाहता जितनी मजबूती से करना चाहिए, और ये अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसको लेकर लगातार बातें भी होती हैं कि भाई जो बड़ा मीडिया है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो प्रिंट मीडिया के बड़े अखबार हैं, बड़े चैनल हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं इस पर मजबूती से अपना जो है कदम बढ़ाना चाहिए, मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। और यही वजह है कि झारखंड समेत तमाम बड़े मुद्दे जो हैं वो कुछ ही दिनों में कब अखबारों से, कब मीडिया से गायब हो जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता।
बिल्कुल, झारखंड का क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब तक मीडिया में खबर रहती है तब तक वो उस पर जांच रहती है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ आईटीपी न्यूज।